सेंट मार्टिन्स में एडमिशन लेने का है। वो सेंट मार्टिन्स में पढ़े या रुंझुन वाला में पढ़े, क्या फर्क है? है? और वैसे ही पढ़ाई का बहुत शौक है ना, तो उसको बोलो अमेरिका चली जाए। हाँ, वो कापड़िया की लड़की की तरह उसने भी सपना देखा था ना अमेरिका का, अमेरिका चली गई थी पढ़ने के लिए। क्या सीख के आई वो वहां से? सिगरेट पीना और छोटे छोटे कपड़े पहनना। हमारी बेटी और कापड़िया की बेटी में बहुत फर्क है। हमारे संस्कार अलग है और उसके संस्कार अलग है। संस्कार बदलने में वक्त नहीं लगता है। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपने जो अपनी बेटियों को संस्कार दिए हैं उस पर मुझे भरोसा है, तो आपको क्यों नहीं? मुझे तो बस इतनी ही चिंता है कल को कहीं पूजा के साथ ऐसा ना हो जो आज पूर्णिमा के साथ हुआ है। आगे आपकी मर्जी। वो चित्रलेखा पिछले हफ्ते की दिखाई नहीं दे रही है। 5 और 9 पिछले हफ्ते एक अच्छी लेख छपी थी उसमें, बम्बई के कॉलेज के बारे में, सेंट मार्टिन, सेंट पॉल, राजपूत, डीएम, वहां दी जा रही शिक्षा के बारे में। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है काश मैं भी सेंट मार्टिन या सेंट पॉल में पढ़ा होता ना। कितने बड़े बड़े लोग वहां से पढ़कर बाहर निकले हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं। बाबूजी आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो यही कह रहा था कि आज भी अच्छे बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे बच्चे आज भी नेक और होनहार। सभी कोई कापड़िया की बेटी की तरह थोड़ी ना होते। उस कापड़िया की बेटी को क्या कहें, खुद कापड़िया को देखो, उसकी चाल चलन कहाँ अच्छी है। उसने अपनी बेटी की चिंता कब की थी? जब बेटी हाथ से गई तब होश आया उसे और भेज दिया बेटी को अमरीका। संस्कारों की कमी और क्या। पर तेरे बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं कभी नहीं। वो परिवार की मर्यादा को जानते हैं, अच्छे बुरे का फर्क उन्हें पता है, बड़ों की इज्जत करना जानते हैं। तूने और सुधा ने जो अच्छे संस्कार दिए और बच्चों ने जो अच्छी शिक्षा पाई है ना, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, तुझे भी होगा। मार्टिन, जो अपनी बेटियों को संस्कार दिए हैं, उस पर मुझे भरोसा है, तो आपको क्यों नहीं? उसने शादी से इनकार कर दिया। पर तूने और सुधा ने जो अच्छे संस्कार दिए हैं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आज अगर लड़कों ने ये मांगा, तो 3-4 साल बाद जब हमारी पूजा शादी के लायक होगी, तब उनके क्या मांगेंगे? कल को कहीं पूजा के साथ ऐसा ना हो जो आज पूर्णिमा के साथ हुआ है। जय श्री कृष्ण बाबूजी। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। मैं रुंझुन वाला कॉलेज जा रही हूँ मम्मी, दोपहर तक आ जाऊंगी। पूजा बेटा कुछ खा के तो जा, ऐसे खाली पेट। नहीं मम्मी, मैं आकर खाऊंगी। रुक जाओ। काश मैं भी सेंट मार्टिन या सेंट पॉल में पढ़ा होता ना। कितने बड़े बड़े लोग वहां से पढ़कर बाहर निकले हैं, कितने बड़े बड़े लोग। कॉलेज शुरू नहीं हुई लेकिन लड़कों के फोन कॉल शुरू हो गए। कल को कहीं पूजा के साथ ऐसा ना हो जो आज पूर्णिमा के साथ हुआ है। आज तक तुमने वही किया है जो तुमने ठीक समझा है। तुम रुंझुन वाला कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाओ। तो मैं चाहता हूं वही होगा। तुम मार्टिन्स में पढ़ोगे। पापा, मैं नहीं चाहता कि
मार्टिन्स में ना पढ़ने की वजह से तुम्हें कोई लड़का ना पसंद करे। थैंक यू पापा, थैंक यू। लेकिन मार्टिन्स में पढ़ने के लिए मेरे कुछ नियम होंगे, वो तुम्हें मानने पड़ेंगे। मुझे सब नियम मंजूर है पापा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे नहीं, दादाजी को और मम्मी को बोलो, उन्होंने मुझे राजी किया है। मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू बापूजी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मैं अभी आती हूँ। पूजा लेकिन कुछ खा। पूर्णिमा ये बिना खाए लड़की। मम्मी जाने दो, अपनी खुशी बांटने गई है, जाने दो। थैंक यू गॉड, तुमने घुमा दिया अपना मैजिक वे और कर दिया मेरी प्रॉब्लम का दी एंड। मैं जानती थी तुम मुझे जरूर समझोगे, पर तुमने तो मम्मी पापा बाबूजी सबको समझा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ भगवान, तुमने मेरी इतनी मदद की। पर आई प्रॉमिस मैं सेंट मार्टिन्स में बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी और पापा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं अपने घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी दिल से निभाऊंगी। अगली बार मैं अपना रिजल्ट लेकर आऊंगी भगवान, और अगर तुम्हारा ऐसा ही साथ रहा ना तो उससे भी अगली बार मैं अपनी फिल्म की रील लेकर आऊंगी। मेरी फिल्म पहली बार तुम ही देखना। बनाऊंगी ना मैं फिल्म, जरूर बनाएगी बच्ची। ये तो बिल्कुल तड़ांग का तुरुम हो गया ना पूजी। सच पूजी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सेंट मार्टिन्स पढ़ेंगे, और ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा कि मैं फिर से राजमा चावल खाने लगूंगी। हे भगवान जी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा ना, सॉरी 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 सॉरी, पर क्या करूं, पूजी की वैसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। माफ कर ही दिया होगा मेंडी, तुझे भी और मुझे भी। तुझे कैसे पता? ए बेवकूफ, अगर माफ नहीं किया होता तो सेंट मार्टिन्स में एडमिशन कैसे मिलता। ओ हाँ सच, और तुसी ग्रेट हो भगवान जी। अब क्या ढूंढ रही है पूजी, जल्दी करना, देर हो रही है। अरे यार मेरी एडमिशन स्लिप पता नहीं कहाँ रख दी, आज फिर जमा करने का आखिरी दिन है यार। ये तुझे किसने बताया? वो आकाश है ना, उसका फोन आया था। आकाश काफी क्यूट है ना। ठीक से सोचना पूजी, आखिरी बार कहाँ रखा था? वो ही तो याद नहीं आ रही। घबरा मत पूजी, अंकल की परमिशन मिल गई है ना, स्लिप भी मिल जाएगी। चल चल ढूंढते हैं, चल। कहाँ है यार? ये रही। गुड शॉट मेंडी। अच्छा अभी जल्दी चल, वरना फीस जमा करने का टाइम ही खत्म हो जाएगा। चल, चल, चल। पर सुन, आई कार्ड के लिए तूने अपना फोटो तो लिया है ना? हाँ, ये रही। ये तू है? कितनी स्टूपिड लग रही हूँ ना मैं? जी मुझसे ज्यादा नहीं। लेकिन तेरा मुंह खुला क्यों है? वो क्या है ना पूजी, फोटो खिंचाने के टाइम ना पास के होटल से राजमा की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी यार, और मेरे मुंह में पानी आ गया और मेरा मुंह ना खुला का खुला रह गया। अच्छा भी चला। ये क्या हो रहा है पूजी? अब तक कुशान ठाकुर पूरे 3 खिलाड़ी ढेर कर चुके हैं, अब आगे देखते हैं इसका ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। लेट्स वेयर एंड वॉच। सोच लो डूड, मुझसे मुकाबला करने का मतलब है 500 रुपए गंवाना। क्या करना होगा? बस इतना ही सिंपल, लेकिन 5 बार अगर तुमने मुझसे ज्यादा बास्केट डाल दिए तो जीत तुम्हारी होगी। अगर मैंने तुमसे ज्यादा बास्केट डाल दिए तो फिर 500 रुपए मेरे हुए। ओके। अकुशान के ड्यूड ने हाँ कह दी है, मुकाबला बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। ये!
एक और बार कुशान ने बाजी जीत ली है और पूरे 500 रुपए भी मेरे पैसे। और ये रही तुम्हारी टिप। और ये चौथे खिलाड़ी को हराकर कुशान द किंग ने पूरे 2000 रुपए जीत लिए हैं और टैक्स के तौर पर सिर्फ 10 रुपए दिए हैं। I'm the king of the world! I'm the king of the world! 500 रुपए का कोई मोल ही नहीं है। अरे सुनो, जल्दी जाओ, काउंटर 12 बजे तक खुला है। Come on, it's last day. So, अब देखते हैं कि आज के दिन कुशान को कोई हरा पाता है या नहीं। Yes या no? जानने के लिए देखते रहिए कुशान लाइव only on Martin's TV. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाम जी, मैं पूजा मेहता। ये रहे मेरे फोटो और फीस के पैसे। इसमें तो 500 रुपए कम है। ओफो, मैं तो घर से मार्टिन्स के लिए ज्यादा पैसे लाना ही भूल गई। ये तो रुंजन वाला के लिए देते पापा ने। अब क्या करूं मैंडी? तू रुक एक मिनट पूजी। मैम, हम बाकी के पैसे कल दे सकते हैं प्लीज? 1.25 घंटे में फीस जमा नहीं की गई तो एडमिशन नहीं होगी। पर मैम, हमारा घर तो बहुत दूर है। मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता मेंडी। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम घर जाकर पैसे लेकर आ सके। और यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं है जो हमें 500 रुपए उधार दे सके। थे तुम्हें 500 रुपए चाहिए, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। So sad. काश मैं तुम्हें ये पैसे दे सकती, पर अगर मैंने तुम्हें ये पैसे दे दिए तो मेरा बेटी क्यों नहीं होगा? एंड आफ्टर ऑल, तुम्हारे इस कॉलेज के एडमिशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा पेडिक्योर है। वैसे तुम्हें पेडिक्योर का मतलब मालूम है ना? नहीं मालूम? ओ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो पेडिक्योर कभी करवाया ही नहीं होगा। जिनके पास एक मामूली पेडिक्योर के पैसे नहीं, उन्हें सेंट मार्टिन्स में नहीं किसी मेवा वाला कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। चल पूजी। एक्सक्यूज मी, तुम दोनों को पैसों की जरूरत है ना? मैं दे देती हूँ, बाद में लौटा देना। नो थैंक्स। यही आके अटकना था। हाय पूजा। अब मैं क्या करूं मेंडी, कहां से लाऊं पैसे? कुछ ना कुछ हो जाएगा पूजी, अभी और आधा घंटा है ना। अब तो बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? किसी की जेब काटने का। हाँ, बिना ऐसा कुछ किए अगर पैसे मिल जाए तो। पर कैसे? मुझ पे भरोसा करके किया। मुझे अपने सारे पैसे देके। कम ऑन गाइस, आप लोग का वक्त खत्म हो रहा है, जवाब जरा जल्दी दीजिए। ओह माय गॉड, आपके पास तो सिर्फ 20 मिनट और 14 सेकंड बाकी हैं। जरा जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। पैसे भी दिए। ये हुई ना बात। तो 800, 900, 950 मेरे 50 मिला के ये हो गए पूरे 1000। बाकी के पैसे मैं दिलाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब शुरू होगा आज का असली खेल। कम ऑन गाइस, फॉलो मी। 3 चीयर्स फॉर आवर किंग। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। हाय, आई एम आकाश। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तुम? चैलेंज क्या है? ये क्या कर रहा है पूजी? फिर से फंसाएगा हमें। भरोसा रख पूजी, हो सकता
ये हमें फंसा नहीं बल्कि बचा रहा हो। जो मैं करूंगा या कहूंगा तुम्हें उसका उल्टा करना है। अगर तुम ये बाजी जीते तो ये 1000 रुपए तुम्हारे, और अगर मैं जीता तो तुम्हारे 500 रुपए मेरे। कूल, लेकिन कल आना, आज का खेल खत्म हुआ। क्यों बॉस, डर गए? फिर अपने आप को तुम किंग कहते हो? हे यू, चिलैक्स डूड, चिलैक्स। यू कैन डू इट कुशान, कम ऑन। अगर तुम ये बाजी जीत गए तो ये लोग जो तुम्हें कम ऑन कुशान कह रहे हैं, ये तुम्हें कहेंगे कम ऑन किंग। इट्स जस्ट अ चैलेंज, टेक इट अप। लगता है इसे अपने पैसे कमाने का बड़ा ही शौक है। चलो इस शौक को भी पूरा कर देते हैं। वाओ ग्रेट। हे, तुम जज बनोगे ना? शो। इसकी कोई जरूरत नहीं है यार, तुम फ्रेशर हो, तुम स्टार्ट करो। परफेक्ट, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। 5 4 3 2 1 गो। तुम जैसे हो वैसे ही खड़े रहो, स्टैंड अप। हे रिमेम्बर, जो मैं कहूंगा या करूंगा तुम्हें उसका ऑपोजिट करना है। गॉट इट? किसी हीरो की दुख भरी दास्तान गा के सुनो। एनी सैड सॉन्ग। एम बोले तो बोले तो बोले तो मुन्ना भाई। MBBS तुम हार गए यार, तुम हार गए। तुम्हें इसका उल्टा करना था, लेकिन तुमने तो वही किया जो मैंने किया। चिलैक्स कुशान, इसकी बात में दम है। दे दे इसके पैसे। कम ऑन कुशान, गिव इट टू हिम। Great show, champ. Thank you. मैं रोनित। I am आकाश। और ये रहे तुम्हारे well deserved 500 रुपए। Thank you. वैसे मसल से ज्यादा अक्ल है। Hey you, king से पंगा लेने का मतलब नहीं समझता। See you. ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा champ। हे पूजा, ये लो तुम्हारे पैसे, सिर्फ 5 मिनट रहते हैं, जरा जल्दी जाओ, काउंटर बंद होने वाला है। अरे मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी यार, जाओ। और सुनो, डॉक्टर की फीस उधार रही तुम पे। इन बर्नीज के लिए इतनी सिंपथी? हाँ, लगता है तुम भी इन्हीं के ग्रुप में हो, और अब तुम पे भी नजर रखनी पड़ेगी। काट ऊपर गैंग, फिर फिर क्या दीदी, कुशान का बिल्कुल तड़ाम से तुड़ूम हो गया, वो ना बैट हार गया और वो 500 रुपए हमारे जेब में। अरे दीदी, उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी, गुस्से में एकदम लाल। वो है ना, वो जो जीता वही सिकंदर के क्लाइमेक्स का दीपक तिजोरी लग रहा था। लगता है कॉलेज का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। चलो चलो, अब मस्ती मजाक बंद करो, मैंने तुम सब के लिए गरम गरम ढोकले बनाए हैं। शायद तेरे पापा आ गए। हाय हाय मिर्ची। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। केम पूजा, बहुत खुशी हो रही होगी? हाँ, सेंट मार्टिन्स जैसे कॉलेज में तुझे एडमिशन मिला? हाँ, अभी तो कोई लड़का तुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है, जैसे पूर्णिमा को किया था। मिर्ची, क्या हुआ जयश्री बहन? बात ऐसी है ना सुधा भाभी, कि बाहर वालों के सामने करने लायक ही नहीं है। चलती हूँ पूजे। पूर्णिमा, जरा फिर से बताना कि नितिन ने तुझसे कल क्या कहा था। नितिन ने जो बोला मैंने कह तो दिया। फिर से बता दे बेटी,
आप कहना क्या चाहती है जयश्री बहन? क्या आप सुन पाओगी कि आपकी बेटी क्या कर रही है? आप सह पाओगी कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है? मैं सच बोल रही हूँ ना पूर्णिमा, कि नितिन ने तुझे इस वजह से ना पसंद किया क्योंकि तू सेंट मार्टिन्स जैसे कॉलेज में पढ़ी नहीं है? मेरे सवाल का जवाब दो पूर्णिमा, हाँ या ना? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.